लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आयुर्वेद में पुदीने को वायुनाशक जड़ी बूटी के रूप में देखा जाता है, जो सीने में जलन, मितली आदि में राहत देता है। इसके पत्ते को चबाकर खाने से पेट दर्द और आंतों की ऐंठन में आराम मिलता है। सेहत संबंधी कोई भी परेशानी हो, घरेलू नुस्खों के जरिए उन्हें ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में पुदीने को वायुनाशक जड़ी बूटी के रूप में देखा जाता है, जो सीने में जलन, मितली आदि में राहत देता है। इसके पत्ते को चबाकर खाने से पेट दर्द और आंतों की ऐंठन में आराम मिलता है। सेहत संबंधी कोई भी परेशानी हो, घरेलू नुस्खों के जरिए उन्हें ठीक किया जा सकता है। पुदीने की भीनी खुशबू और स्वाद से भला कौन परिचित नहीं होगा। चटनी हो या अम्पना, रायता हो या पुलाव, हर किसी के साथ मिक्स होकर यह अनोखा स्वाद देता है और गर्मियों के लिए रामबाण तो है ही पुदीना। पुदीना भी इन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक है, जिसका महत्व आयुर्वेद में भी बताया गया है। फिलहाल जानिए पुदीने के 10 उपाय, जो सेहत समस्याओं से निजात दिलाए। दैश पुदीने के पत्तों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थोड़ी मात्रा होती है। माना जाता है कि ये सारी चीजें इम्यूनिटी को बूस्ट करने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इन सभी के कारण बीमारियों से शरीर का ज्यादा से ज्यादा बचाव होता है, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार होता है और शरीर संक्रमण और सूजन से भी सुरक्षित रहता है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रुपए को पीकर बाहर निकलने से धूप लगने का डर भी कम रहता है। हैजा होने पर भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। हैजा होने पर पुदीना, प्याज का रुपए, नींबू का रुपए बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से फायदा होगा। पेट दर्द होने पर भी पुदीना।